तो हम दोनों तो चाय पी रहे हैं। राजीव तो कुछ देर पर ऑफिस निकल जाएगा जैसे ही थोड़े रास्ते थोड़ा ब्लॉकेज थोड़ा कम हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सीधा जिम में मिल रही हूँ क्योंकि जिम आने से पहले मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है एडिटिंग एंड देन अपलोडिंग। आज है मेरा चेस्ट एंड ट्राइसेप। सिंस आई एम रिकॉर्डिंग आई हैव फाउंड आउट अपर बॉडी डेज में मैं कभी कभार मेरा पोस्चर गड़बड़ रहता है। एज जैसे ये वाले वर्कआउट में थोड़ा बहुत पोस्चर में गड़बड़ है। सो वन थिंग इज़ गुड, जब से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपर बॉडी डेज जो सब मैं गलत कर रही हूँ, आई हैव अ चांस टू करेक्ट एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, जिम से वापस आ गई हूँ और आते ही मम्मी से बात कर रही थी तो इसीलिए मैं जिम के कपड़े में ही हूँ। पर बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो मैंने सोचा कि मैं खा लूँगी फिर मैं नहाने जाऊँगी। आई नो आई शुडंट बी डूइंग दैट बट बहुत ज़ोर से भूख लग गई है, बस इसीलिए ऑमलेट बना रही हूँ। एक फुल एग लिया है, एक होल एग, और अभी उसके साथ मैं ऑलमोस्ट दो एग्स का एग वाइट मिक्स करूँगी। I'm going to gorge into this. I'm super hungry. बस पोस्ट वर्कआउट मील खाने के बाद आई टुक शावर एंड नाउ आई एम इन किचन। अभी रायन के लिए आफ्टर स्कूल उसके लिए स्नैक्स में आज मैं बना रही हूँ उसके लिए सूप। ये रेडीमेड नॉर का सूप है। रायन को सिर्फ दो ही पसंद है, एक है चिकन केयर सूप, दूसरा है चिकन क्रीमी सूप। आज वो चिकन क्रीमी सूप बना रही उसके लिए और उसका यही कॉम्बिनेशन रहता है, फिश फिंगर और क्रीमी सूप। कुछ फिश फिंगर्स मैंने एयर फ्राई कर लिए। आई विल गिव दीज अलोंग विद द सूप टू रायन। सो रायन का क्विक एंड इजी आफ्टर स्कूल स्नैक रेडी हो गया। आई विल गो एंड गिव इट टू हिम। बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट से बने वाली पुलाव, बारबेक्यू पुलाव चिकन सैंडविच, उसके लिए यहाँ पे ऑयल मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरा नॉनस्टिक बहुत ही अच्छा है, ग्रेनाइट फिनिश है। मैं बस उसमें बोनलेस चिकन डाल दे रही हूँ। चिकन ब्रेस्ट है, उसको मैंने पतले पतले काट लिया है। आप बोन वाले भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि बेसिकली तो चिकन बॉयल होने के बाद हमको टेर अपार्ट ही करना है। ये बेक सैंडविच फिलिंग बना रही हूँ जो नेक्स्ट डे रायन का लंच बॉक्स में जाएगा और मैं और राजीव भी एंजॉय करने वाले हैं। साथ डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर। आप चाहो तो इसमें अनियन गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें प्रोमिनेंट होगा बारबेक्यू सॉस का टेस्ट। थोड़ा सा पानी और चिकन को बॉईल कर लेंगे। चिकन कुक हो गई, बस मैं वेट कर रही हूँ कि इसका स्टॉक रिड्यूस हो जाए क्योंकि उसी में तो फ्लेवर्स है ना। चिकन अभी कूल डाउन हो गया तो इसीलिए मैं इसको टेयर अपार्ट कर रही हूँ। अगर आप चाहो ना फूड प्रोसेसर पे भी डाल के कर सकते हो या फोक यूज़ करके जस्ट टेयर इट। और अभी श्रेडेड चिकन में विल ऐड ब्लैक पेपर, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, टू टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ विनेगर, एकदम ही कम, एंड लॉट ऑफ द मेन की इंग्रेडिएंट्स बारबेक्यू सॉस, अ लॉट ऑफ बारबेक्यू सॉस एक्चुअली। हमें तो घर में बहुत पसंद है बारबेक्यू सॉस। आई डोंट नो इंडिया में पिज्जा हट में मिलता है कि नहीं, हियर वी गेट बारबेक्यू चिकन पिज्जा। आई थिंक इन पापा जॉन्स ऑल्सो हियर वी गेट। यहाँ पे बारबेक्यू फ्लेवर का बहुत कुछ मिल जाता है, वी जस्ट लव इट। मेरा तो पिज्जा में फेवरेट है
barbecue chicken pizza. Our quick and easy, very few ingredients, chicken filling is ready. बस इसको असेंबल करके मैं आपको दिखाऊंगी. मैं ये वाला यूज करती हूँ, इसमें इट इज स्वीटेंड विथ डेट्स. नेक्स्ट डे मॉर्निंग सैंडविच बना रही थी. फॉर दैट जस्ट मैं लाइटली ब्रेड को टोस्ट कर रही हूँ. मैंने बटर ऐड नहीं किया, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड. और उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, आई एम अप्लाइंग वाइट मेयो. मेरे पास वाइट मेयो बॉटल में नहीं थी, आई हैड दिस सैशेस, सो आई यूज्ड इट. मेयो को हल्के से स्प्रेड किया, देन वील ऐड द चिकन फिलिंग और ऊपर से थोड़ा सा लेटस, और बस बन गई अपनी सैंडविच. जब मैं वॉयस ओवर कर रही हूँ तब कब का तो सैंडविच खा चुके थे. वन थिंग आई फेल्ट, बारबेक्यू सॉस और भी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना चाहिए था. सैंडविच हम सभी ने खाए थे, लाइक रायन स्कूल लेके गया, राजीव भी ऑफिस लेके गया, और आई ऑल्सो हैड आफ्टर माई जिम. टेस्टी खाना कौन स्किप करके सिर्फ घास फूस खाएगा. सैंडविच को अगर ना बटर पेपर पे इस तरह से रैप करने के बाद उसको अगर स्लाइस किया जाए, टू थिंग्स. वन इज बच्चे के गंदे हाथ सैंडविच पे लगेंगे नहीं, और दूसरा है कि सैंडविच ना बहुत अच्छा, इट होल्ड्स इट्स शेप, इट डजंट फॉल अपार्ट. क्लिंच रैप से अगर आप सैंडविच को रैप करोगे देन दैट्स द बेस्ट, बट आई डोंट वॉन्ट टू ऐड प्लास्टिक टू द फूड, इसीलिए मैं बटर पेपर यूज़ करती हूँ. मैं जब सैंडविच बना रही थी मैंने सबके लिए एक ही साथ बना लिया, राजीव का, मेरा, और ये बटर पेपर वाले सैंडविच ये रायन का लंच बॉक्स में जा रहा था. और ये राजीव और मेरा, क्योंकि रायन तो अपना लंच बॉक्स लेके चला गया था. फोटो सेशन हो रही थी मेरी और राजीव की सैंडविच की. मीटिंग यू ऑल आफ्टर क्वाइट अ फ्यू आवर्स. बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लिया है, छोटा दो फिले ही था, बस उसको मैंने काट लिया है, सॉल्ट और क्रश ब्लैक पेपर डाला है. और एक अनफॉर्चुनेट थिंग अभी अभी हो गया है कि मुझे लगा कॉर्नफ्लावर है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे घर में चाइनीज़ बहुत कम बनता है, राजीव को उतना पसंद नहीं है, रान और मुझे पसंद है. पता नहीं कैसे बनेगी, इतना ही है, बस इतना सा ही कॉर्नफ्लावर बचा हुआ है. देखती हूँ क्या करूँगी, फिलहाल मैं मैरिनेट तो करती हूँ. थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड गार्लिक, आप ना क्रश्ड गार्लिक डालोगे तो और अच्छा है. थोड़ा सा एग वाइट डाल रही हूँ. अगर घर पे एग वाइट नहीं होता है तो होल एग का योक निकाल देती हूँ और फिर एक वाइट ले लेती हूँ, पर ये था तो इजीली हो गया, मैंने ले लिया. और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लावर वॉजंट सफिशियंट. और टू मेक इट क्रिस्पी मैं यहाँ पे राइस पाउडर यूज़ कर रही हूँ. मेरे पास ऑयस्टर सॉस है नहीं, अगर आपके पास है तो आप 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस ऐड कर सकते हो. मेरा एक्चुअली घर पे बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है, ये विनीगर ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, कॉर्नफ्लावर आपने तो देखा ही नहीं, विनीगर इतना नहीं, आई नीड टू डिस्कार्ड इट. और ये जो बदतमीज चिकन है उसमें ढेर सारा ब्लैक पेपर. बदतमीज क्यों है आपको आगे जाके पता चलेगा. इंडो चाइनीज़ की कुकिंग की एक ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ होता है और फिर आफ्टर फ्राइंग द चिकन वो तेल डिस्कार्ड करना एक और मुसीबत. हाउ टू डिस्कार्ड, मैंने चिकन को 2 बैचेस में फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के टाइम माई गॉड गैस कितना गंदा हो गया था. द चिकन वॉज स्प्लटरिंग एंड एवरीवेयर देर वॉज ऑयल स्प्लटर, यहाँ तक स्प्लटर होके मेरे हाथों पे गर्म तेल के इतने सारे छींटे लगे थे. माई गॉड, चिकन फ्राई करते करते मोबाइल्स बैटरी वॉज टोटली ड्रेन्ड आउट एंड आई प्रोसीडेड विद द कुकिंग.
तो चिकन फ्राई होने के बाद एक्सेस ऑयल आई ड्रेन्ड आउट. थोड़े से ऑयल में आई एडेड 3 टाइप्स ऑफ कलर्ड बेल पेपर्स, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, अनियन पेटल्स और वेरी फाइनली चॉप्ड गार्लिक. और उसको हल्के से मैंने टॉस कर लिया ऑन हाई हीट. चिकन फ्राई करते वक्त आप लोग देख सकते हो गैस स्टोव का क्या हालत किया इसने. पूरा ऐसे फ्लोर पे भी खो गया है, पूरा तेल तेल तेल. कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा है, ये भयंकर वाला किलर चिकन, ये जानलेवा चिकन था. आज का रेसिपी कुछ भी हो पर इसका नामकरण तो हमें ही करना पड़ेगा. आप लोग इसका नामकरण कमेंट सेक्शन में कीजिएगा. मेरे लिए तो ये किलर चिकन है, खाने में नहीं सच में किलर. इतना गैस गंदा किया, पूरा मेरा हाथ में फट के आ रहा था. पर ये बदतमीज खाने में तो बढ़िया हुआ था. बस एडेड लिटिल सॉल्ट और रेडी किया हुआ सॉस मैंने ऐड कर दिया, वो विनेगर सोया सॉस और ब्लैक पेपर की. और यहाँ पे मेरे पास तो कॉर्नफ्लावर तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, हाफ टी स्पून वो छोटे चम्मच का थोड़ा सा मैदा मैंने पानी में घोल के स्लरी बना के ऐड कर दिया. और लास्ट में बॉयल आने के बाद, वो ग्लेजी सब बनने के बाद, आई एडेड फ्यू स्प्रिंग ऑनियंस. मेरे पास मिस चिकन इज रेडी. बदतमीज चिकन इज रेडी. हमारा देसी चाइनीज़ जैसा भी बनाओ खाने में अच्छा ही होता है. उससे आपका थोड़ा हाथ जल जाए, गैस स्टव गंदा हो, वो सब जो भी हो, बनता टेस्टी है. और साथ में रोटी, आई नो कॉम्बिनेशन में नूडल्स या फ्राइड राइस, चाउमीन ऐसा होना चाहिए, बट उससे ना कैलोरी वाइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने सिर्फ रोटी बनाई हूँ. दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग और यही पाथ से रान स्कूल चल के जाता है, विच वॉज फ्लडेड विथ वाटर. रात को कब बारिश हुआ पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट वो पता था कि बारिश होने वाला है, पर इतना ज़्यादा होगा और ऐसे फ्लडेड हो जाएगा ये पता नहीं था. आज दुबई में रेनी डे डिक्लेयर हुआ है. कॉन्स्टेंटली अर्ली मॉर्निंग से पब्लिक मैसेजेस आता है फ्रॉम द पुलिस दैट बी केयरफुल, इफ यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ द हाउस डोंट लीव. आपको एक्चुअली स्कूल से मेल आ गया था कि इट विल बी ऑनलाइन स्कूल और ऑन साइट स्कूल, दे विल लेट अस नो बाय 5 इन द मॉर्निंग. तो मैं 5 बजे से जगी हुई हूँ कि मैसेज आएगा, बिकॉज कंडीशन देख के समझ में आ गया था. और या उसी टाइम पे पब्लिक अलर्ट आ गया था फ्रॉम दुबई पुलिस कि कंडीशन इज बैड, अगर आप अवॉइड कर सकते हो बाहर जाना सो यू शुड बी अवॉइडिंग. तो ऑब्वियसली स्कूल्स विल नॉट टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क. स्कूल्स यहाँ पे ऐसा होता है तो ऑन साइट से ऑनलाइन कर देते हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट ऑनलाइन, क्योंकि प्रैक्टिस तो हो ही गया है ड्यूरिंग लॉकडाउन. पर इवन इन लॉकडाउन यूएई में स्कूल्स वेर वेरी फास्ट, विद इन 4 डेज दे स्टार्टेड ऑनलाइन स्कूलिंग विच वॉज वेरी गुड. नॉट लाइक ऐसे 2 घंटा या 1 घंटा का स्कूलिंग, इट यूज टू बी नॉर्मल स्कूल फुल आवर्स. लाइक इफ इट स्टार्ट्स एट 7:30 एंड स्कूल इज टिल 2, दे यूज टू हैव ऑल द पीरियड एवरीथिंग. दे यूज टू इवन हैव द पीई क्लासेस, द पीई टीचर इज टू डू ऑल होम वर्कआउट्स एंड द किड्स इज टू फॉलो देम. They even had as extra curriculum because the other extra curriculums were not there. They were having cooking classes and all. Anyhow, the whole day to a whole day school. But today though is Friday. Sharjah schools are anyhow closed. Dubai schools, they have till 11:45 like that. So Ryan already started for school. Rajiv aur main dono chai piyenge, rainy day enjoy karenge. रेनी डे साथ में वीक डे में बैठ के दोनों चाय पी रहे, ये तो शायद पहली बार ऐसा मौका मिला है. जैसे रास्ते में थोड़ा पानी कम हो जाएगा, ही लीव फॉर ऑफिस. यहां में भी अपन ना इट्स क्लियरिंग, बट इफ इट डजंट रेन अगेन दैट्स ओके, मेबी नॉट फॉर नाउ आई स्टिल विल गो, क्योंकि सैंड से सारे ड्रेनेज ब्लॉक हो जाते हैं. तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में.